हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी किचन। चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो भी है कटहल की सब्जी। तो गाइस, कटहल की सब्जी आपने ऐसे तो कई बार खाई होगी, और लेकिन मेरे बताए तरीके से आप बना के खाइएगा, आप इस सब्जी के हो जाने वाले दीवाने। और ख़ासकर जो चिकन मटन खाते हो ना, उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और जो भी मैं बनाने वाली हूँ कुकर में, तो कुकर में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, और झटपटे से आपकी सब्जी बनके बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, बहुत ही टेस्टी ये बनने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से कटहल ले लेना है। तो ये कटा हुआ कटहल मैं मार्केट से ही लेके आई थी। यदि आप काट रहे हो तो आपको क्या करना है, हाथों के ऑयल लगा लेना है, हाथों के ऑयल लगा के ही इसको काटना है। नहीं तो आपके नाइफ़ पर भी वो इसका जो लिक्विड निकलता है ना, वो लगेगा चिपचिपा चिपचिपा, हाथों में भी लगेगा, तो फिर हाथों में से निकलता नहीं है जल्दी सा। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले ऑयल लगा लेना है हाथों के और नाइफ की फिर ही काटना है। तो इधर मैंने चढ़ा दिया है कुकर, और मैंने डाल दिया इसमें सरसों का ऑयल। तो गाइस, सरसों के तेल में ही सब्जी को बनाइएगा, उसी में ही ये सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो सरसों का ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद में आपको डालना है कटहल के जो पार्ट काट रखे हैं ना, छोटे छोटे क्यूब्स में काटे हुए हैं, वो डाल दीजिएगा। तो कटहल को पहले तो फ्राई करिएगा, उससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो फ्राई करके बनाइएगा इस सब्जी को, आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो गाइस, मैं तो कुकर में बनाने जा रही हूँ, आप कढ़ाई में बनाइए, कढ़ाई में भी बना रहे हो तो फ्राई ज़रूर कर लीजिएगा। तो कुकर में मेरे बताए तरीके से आप बनाओगे ना, तो आपकी सब्जी को बनने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल कम समय में आपकी सब्जी इतनी टेस्टी बनेगी कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे, ज़्यादा समय आपका बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो गाइस, पहले तो इस कटहल को अच्छे से फ्राई ज़रूर कर लेना है। तो ये फ्राई करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और उसी टाइम आपको डाल देना है इसमें हल्दी पाउडर और नमक। इससे क्या होगा कि इससे जो नमक है ना, उस कटहल में फीकापन नहीं रहेगा, नमक अंदर तक इसमें चला जाएगा, और कटहल से में जो हम हल्दी इस टाइम डालेंगे ना, तो सब्जी में बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। तो इस टाइम में आपको डालना है हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर स्टेज पे ज़रूर डालेगा, आपकी सब्जी का कलर भी बहुत ही सुंदर आएगा, और सब्जी तो टेस्टी बनेगी ही बनेगी। इसलिए नमक ज़रूर डालिएगा, नमक इस स्टेज पे डाल के, और अब इसको थोड़ी देर के लिए आपको ढक के ज़रूर पकाना है, ताकि हम इसमें नमक डाले हैं और हल्दी डाले हैं, उसका कलर भी अच्छे से इस कटहल पे चढ़ जाए, और नमक जो हमने डाला है ना, उसका टेस्ट भी इसमें अच्छे से चला जाए, फीकापन ना रहे। तो इसको मैं स्लो गैस पे 5 मिनट के लिए इसको ढक के पका लूँगी, ताकि इसका कच्चापन है ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसको पका लिया है, फ्राई हो गया हमारा अच्छा से, ऑयल में अच्छे से पक चुका है हमारा कटहल। और अब मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में, तो प्लेट में हम निकाल लेंगे इसको, क्योंकि इतना ही इसको फ्राई करना है इसको। तो गाइस, मेरे बताए तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, स्किप करके मत देखिएगा, स्किप करके देखोगे ना, फिर आपकी इतनी अच्छी सब्जी नहीं बनेगी, फिर मेरे से मत बोलेगा मेरी सब्जी इतनी टेस्टी नहीं बनी है, क्योंकि मैं अच्छे से समझा रही हूँ आपको क्या क्या स्टेप पे डालना है, क्या चीज़ डालनी, कैसे करना है। तो अब आपको निकाल लेना है कटहल, और ज़्यादा देर तक आपको इसमें नहीं पकाना है। ऐसे नहीं कि आपको ब्लैक ब्लैक कर देना, अच्छे से इसको भूनना है, तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ तक कि इसकी भुनाई करनी है। दोबारा से इसमें डाल देना है ऑयल, सरसों का ऑयल अच्छे खासा इसमें डलता है, जब भी आपकी सब्जी बनेगी अच्छी, और सरसों के ऑयल में ही सब्जी को बनाइएगा, जब भी आपकी सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो मैंने इसमें सरसों का ऑयल डाला है, थोड़ा सा मुझे कम नज़र आता, थोड़ा सा और मैंने इसको डाल दिया है, सरसों के तेल को डाल दिया है। आप इस तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे, अच्छे से गरम होने के बाद में आगे का प्रोसेस करिएगा, कच्चा मत रखिएगा ऑयल को बिल्कुल भी। अब मैंने इसमें हरी मिर्ची और प्याज है ना, 2 से 3 के अलावा मैंने लंबे लंबे स्लाइस में प्याज को कट किया है। तो प्याज को इस तरह से लच्छे वाले कट कर लीजिएगा, क्या है कि इससे क्या होगा, लच्छे वाले कट करते हैं ना, तो ये हमारे प्याज भी जल्दी भुन जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, इससे सब्जी में दिखने में सब्जी का जो ग्रेवी होती है ना, वो बहुत ही अच्छी नज़र भी आती है, और जो हमारी ये प्याज है ना, बहुत ही अच्छे से भुन जाते हैं, सुनहरा कलर आता है। तो आपको अब क्या करना है, इसमें प्याज को भूनने के लिए इसमें डालना है नमक, नमक थोड़ा सा डालिएगा, ताकि आपकी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, वो अपना पानी छोड़ दे तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो अच्छे से भून जाएंगे आपके प्याज। तो इसमें मैंने हल्का सा नमक डाल दिया है पहले ही, और इसको भून लेना है, थोड़ा सा कलर सा चेंज होने तक इसको भून लेना है, थोड़ा सा ब्राउन सा ब्राउननेस कलर आ जाए ना प्याज में, जब तक इसको अच्छे से भून लेना है। तो देख सकते हो गाइस, मैं इसको अच्छे से भून ले रही हूँ। तो प्याज इस सब्जी में बहुत ज़्यादा डलता है, 2 से 3 के अलावा इसमें प्याज डाल दीजिएगा, जैसे आप, मैं जितनी क्वांटिटी में सब्जी बना रही हूँ उसमें इतना प्याज डाल दीजिएगा। और ये अब इस प्याज का कलर चेंज होने लगा है, उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर,
जो बेसिक से मसाले हम डालते हैं ना सब्जियों में, वो सब इसमें डालने वाले हैं। और अब मैं मिर्च पाउडर करीबन 2 चम्मच के लगभग डाला, हल्दी पाउडर मैंने 1.5 चम्मच के लगभग डाला हो। अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर भी मैंने करीबन 2 चम्मच इसमें डाला है। तो बेसिक से मसाले ही अभी तक मैंने डाले हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं डाली कि आपके पास ना हो। अब मैंने इसमें डाल दिया रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट की जगह आप डाल सकते हो काला नमक, जैसे हम सादा नमक डालते हैं ना, तो थोड़ा सा काला नमक ज़रूर डालिएगा, उससे सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो काला नमक और सादा नमक दोनों ही मिला के डालिएगा, रेसा पता कर लीजिएगा को आपको नमक कितना खाना है। अब मैंने इसमें किचन, जैसे किचन किंग मसाला इसमें डाला है, आपके पास मीट मसाला हो तो मीट मसाला डाल दीजिएगा, मीट मसाले से है ना और भी अच्छा है सब्ज़ी का टेस्ट आएगा, तो इसलिए मैंने इसमें किचन किंग मसाला ही इसमें डाला है। तो आप आपके पास मीट मसाला हो तो वो ज़रूर डालिएगा, और ये जो किचन किंग मसाला है तो उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसी स्टेज पे मैंने इसमें डाल दिया है, जैसे टमाटर को अच्छे से पीस के प्यूरी बना के इसमें डाल दिए, टमाटो प्यूरी डाल दी इसमें अच्छे से। तो टमाटो प्यूरी स्टेज पे डाल देना है, और अब क्या करना है इसको भूनना है अच्छे से, जैसे इसमें कलर सा चेंज हो जाए ना, जिसे अलग से ही ऑयल नज़र आने लगे। अब मैंने थोड़ा सा मीट मसाला इसमें डाला है, थोड़ा सा मेरे पास था तो मैंने डाल दिया है। तो मैंने किचन किंग मसाला भी डाल दिया, मीट मसाला भी डाल दिया, दोनों में इसमें डाल दिए हैं। अब इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। और देखिए ये जो हमारी ग्रेवी है ना बिल्कुल ऑयल छोड़ने लगी है, और कुकर का तला है ना छोड़ने लगी है, तो अच्छे से पक चुकी है हमारी जो ग्रेवी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी स्टेज पर मैं डाल दे रही हूँ कटहल। जो कटहल हमने फ्राई करके रखे थे ना, वो इसी स्टेज पर आपको डाल देना है। तो गाइस मैं जो तरीका बता रही हूँ ना, कुकर में बनाने का बता रही हूँ, कुकर में कैसे आपको बनाना, कितनी स्टेज तक पकाना है, कैसे इसको बनाना है। तो कुकर में बनाओ ना तो इस तरीके से ही आप बनाइएगा। अब आपको डाल देना है कटहल, मैंने कटहल डाल दिया है, और ऊपर से डाल देना है इसमें लहसुन और अदरक को कूटा हुआ बिल्कुल फ्रेश वाला मैंने इसमें डाला है। आप चाहो तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन जो फ्रेश जो कूट के डालोगे ना उससे और ही अच्छा टेस्ट आएगा इस सब्जी में। तो फ्रेश फ्रेश डालिएगा कूट के, तो वो और भी टेस्टी सब्जी बनेगी। तो मैंने अब इसको अच्छे से मिला लेना है, इसका जो मसाला है ना पूरा जो मसाला है वो अच्छे से इस पर बाइंड हो जाना चाहिए, अच्छे से इस पर लिपट जाना चाहिए जो मसाला बनाया ना वो, जब फिर बाद में हमारा बनेगी सब्जी ना तो इसके अंदर तक ये मसाला चला जाना चाहिए। तो मैंने इस पर अच्छे से लिपट लिपट के सब्जी पर कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, तो पानी कितनी क्वांटिटी में डालना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप सब्जी को थिकनेस में रखना चाहते हो, थोड़ी पतली रखना चाहते हो, जैसे आप राइस के साथ खा रहे हो तो थोड़ा इसको पतली रखिएगा, और जैसे आप इसको मतलब चपाती के साथ ही खा रहे हो तो थोड़ा थिक रखिएगा। तो थोड़ी देर तक मैं इसको भून लूँगी, पानी डालने से पहले थोड़ी देर तक इसको भून लेंगे ताकि जो इस मसाले हैं ना अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए इसमें। तो थोड़ी देर के लिए मैंने 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर इसको ढक के थोड़ा सा भून लिया है ताकि पूरा मसालों का टेस्ट इसमें चला जाए। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, बस अब पानी इसमें डाल देंगे, अब वो कोई काम नहीं है, इसको अच्छे से भून लिया है, मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, और अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो आपको मैंने रेसा बता ही दिया कि इसमें पानी कैसे इसको मैं डालना है। तो गाइस मैंने उसी जार में पानी डाला है जिसमें मैंने टमाटो प्यूरी ये पीसी है ना, तो ताकि जो हमारे मसाले वसाले हैं ना सब आ जाए, वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। तो अब मैंने इसमें पानी डाल दिया, तो पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा है क्योंकि हम राइस के साथ भी खाएंगे, चपाती के साथ भी खाएंगे, यानी दोनों के साथ ही खाएंगे। तो थोड़ा मैं इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में डाला है, आपको रेसा देख लेना है। तो अब इसमें ज़्यादा कुकर में पानी भी नहीं डलता क्योंकि हमारा जो भाप ना उठती तो है नहीं, कुकर में रहती है। अब इसको ज़्यादा पानी भी आपको भर के नहीं डाल देना है कि जैसे आप कढ़ाई में डाल रहे हो उतना ही आपको डालना है, ऐसे नहीं करना है। अब इसको सीटी लगने के लिए छोड़ देना है, 2 से 3 सीटी इसमें आनी चाहिए, आपके कुकर के ऊपर डिपेंड, आपका कुकर कैसा है मतलब छोटा है बड़ा है, तो 4 सीटी लगा लीजिएगा, मैंने 3 लगवाई है इसमें सीटी, तो 3 सीटी मेरी लग चुकी है और इसकी गैस बिल्कुल निकल चुकी है, एयर निकल चुकी है, और मैं इसको खोल दे रही हूँ। तो देखते हो गाइस हमारी है ना सब्जी है ना बिल्कुल बनके रेडी हो गई है, कटहल की सब्जी। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती आप सभी को पता है कि हर सब्जी का टेस्ट ये बढ़ा देता है, तो धनिया पत्ती इसमें डाल दी है, और अब हमारी ये सब्जी खाने के लिए रेडी है। आप इसको चाहे चावल के साथ खाओ या रोटी चपाती के साथ खाओ, सभी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगेगी गाइस, और इतनी टेस्टी लगेगी कि आप चिकन मटन खाते होंगे ना तो उसको भी फेल कर देने वाली है, और जो चिकन मटन लोग खाते हैं ना वो भी इस सब्जी के दीवाने हो जाएंगे, इतनी टेस्टी सब्जी बनने वाली है। तो गाइस आपको मेरी ये रेसिपी कटहल की थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय एंड टेक केयर।